आज हम बात कर रहे हैं नूडल्स के बिजनेस की। आज हम एक ऐसे बिजनेस की बात करेंगे जो बहुत ही कम लागत में चल सकता है और आप उस बिजनेस के जरिए अपना एक नाम बना सकते हैं और अपना एक ब्रांड एस्टेब्लिश कर सकते हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं नूडल्स के बिजनेस की। हम और आप कई बार नूडल्स खाते हैं, हालांकि कम खाने चाहिए, लेकिन हाँ कभी कभार खा लेनी चाहिए। और इन नूडल्स के आप देखते होंगे कई तरह के ब्रांड्स हैं जो आज अपना मार्केट जो है वो बना चुके हैं और उन ब्रांड्स के नाम से ही नूडल्स को पहचाना जा सकता है। लेकिन आप भी अपने नूडल्स बनाकर बाजार में उतार सकते हैं और अपना एक नया ब्रांड एस्टेब्लिश कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप नूडल्स का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, ज़्यादा जगह आपको नहीं लेनी है, और मशीनरी की अगर हम बात करें तो मशीनरी भी कोई ऐसी ज़्यादा आपको नहीं लेनी है। मशीनरी ऐसी होगी जो कोई भी यूज़ कर सकता है, यानी कि अगर आप घर पे नहीं हैं तो आप अपने घर में मौजूद दूसरे सदस्यों को बोल सकते हैं अपनी मदद करने के लिए। तो चलिए विस्तार से बताते हैं कि किस तरह से नूडल्स के बिज़नेस को आप अपना एक तरह का ज़रिया बना सकते हैं, कमाई का ज़रिया बना सकते हैं। सबसे पहले बताते हैं कि सेवई और नूडल्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या चाहिए। इसके लिए सिर्फ सबसे छोटे दाने वाली रवा और साफ पानी की जरूरत होती है। रवा की कीमत आमतौर पर 26 रुपए प्रति किलोग्राम तक होती है। मशीनरी की बात करें तो मशीन कम जगह पर भी आसानी से लगाई जा सकती है और इसे कोई भी चला सकता है। आपको बता दें कि नूडल्स या सेवई दोनों ही एक ही तरह के मशीन से बन सकते हैं। इस मशीन में नूडल्स बनाने के लिए ढाई बदलने की सुविधा होती है, जिसकी सहायता से अलग अलग मोटाई वाले नूडल्स बनाए जा सकते हैं। ये मशीन पूरी तरह स्वचालित है जो बिजली से चलती है और इस मशीन की कीमत 35,000 रुपए से शुरू होती है। अगर कमरे की बात करें तो इसके लिए आपको 1,000 स्क्वायर फीट के कमरे की जरूरत होगी, जिसकी कीमत लगभग 40,000 रुपए तक की हो सकती है। इतने रुपए में मशीन और रॉ मटेरियल दोनों आ जाते हैं और बिजनेस शुरू हो जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये बिजनेस शुरू करने के लिए क्या किसी तरह के लाइसेंस की जरूरत है, तो चलिए आपको बताते हैं। लाइसेंस के लिए फूड्स और एनवायरमेंटल हाइजीन डिपार्टमेंट में आवेदन देना पड़ता है। यहाँ से लाइसेंस लेना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले अपने लोकल अथॉरिटी से परमिशन लेकर आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं, क्योंकि फूड्स डिपार्टमेंट से लाइसेंस लेने में समय लग जाता है। किसी भी चीज़ को अगर आप बनाते हैं, किसी भी चीज़ को अगर आप मार्केट में उतारते हैं, तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा जो चीज़ मायने रखती है वो है पैकेजिंग। तो चलिए आपको बताते हैं, सेवई और नूडल्स के बिज़नेस को अगर आप शुरू करते हैं तो उसकी पैकेजिंग किस हिसाब से होनी चाहिए। पैकेजिंग के समय प्रति पैकेट की मात्रा का ध्यान रखें। यदि आप 5 रुपए का पैकेट बना रहे हैं तो आमतौर पर इसके लिए 35 ग्राम नूडल्स पैकेट में भरने होते हैं। सेवई के पैकेट्स मोस्टली 10 रुपए के होते हैं, इसलिए आप भी अपनी लागत और प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए पैकेजिंग करें। इसके बाद नूडल्स में डाले जाने वाले मसाले का पैकेट भी नूडल्स के पैकेट में डालें। ये मसाला या तो आप बाजार से खुला खरीद कर पैकेट बनाकर बेच सकते हैं, या किसी मसाले की फैक्ट्री से बात करके अपने नूडल्स के टेस्ट के मुताबिक मसाले बनवा सकते हैं। तो चलिए, हमें इंतज़ार रहेगा आपके नूडल्स के ब्रांड का। जब बाज़ार में उतरेगा तो सबसे पहले खरीदार हम होंगे, ये हम आपसे वादा करते हैं। लेकिन आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा कि आप किस बिज़नेस के बारे में सोच रहे हैं और कौन से बिज़नेस पर आप वीडियो देखना चाहेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, तमाम अपडेट्स के लिए द लाइक ऑन का बटन ज़रूर दबाइए। नमस्कार। ओके क्रेडिट, भरोसा व्यापार का।